CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है रेडियो बाल पत्रिका रंगोली। रंगोली में आज सुनते हैं कार्यक्रम पहली उड़ान। दोस्तों नमस्कार, रंगोली कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपने आकाश में उड़ते पक्षियों को तो देखा ही होगा, देखा है ना? पक्षियों को उड़ते हुए देखकर आकाश में उड़ने की लालसा मनुष्य के मन में शुरू से ही रही है। और आज मनुष्य रॉकेट, अंतरिक्ष यानों और हवाई जहाज की सहायता से आकाश में उड़ सकता है। मगर ये कैसे संभव हुआ, आइए आज हम आपको बताते हैं। आज से लगभग 200 वर्ष पहले की बात है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में दो भाई रहते थे, जोसेफ और स्टीफन, जिनकी आयु होगी लगभग 15-16 वर्ष। दोनों भाई अक्सर आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखते और हवा में उड़ने की लालसा किया करते। एक दिन की बात है, दोनों भाई घर में खाना खा रहे थे। भाई वाह, आज तो मजा आ गया। कितना बढ़िया खाना बनाया है माँ ने, क्यों जोसेफ? हाँ स्टीफन भाई, हमारी माँ से बढ़िया खाना भला और कोई बना भी सकता है? तुम लोग खाना खाओगे या बातें ही करते रहोगे? जल्दी से खा लो बेटा, मुझे अभी कबूतरों को भी दाना पानी देना है। अच्छा माँ, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो बेटा। क्या हम भी कबूतर की तरह नहीं उड़ सकते? बेटा भला हम कैसे उड़ सकते हैं, हमारे पास पंख थोड़े ही हैं। लेकिन माँ। ओफो, तुमसे बातें करते करते मैं तो भूल ही गई कि चूल्हा भी बुझ रहा है। ठहरो जरा, जोसेफ जी जरा वो फूकनी तो देना बेटा। अच्छा माँ, ये लो माँ। ला। ओ, कितना धुआं भर गया है कमरे में, जल्दी करो माँ। मिल गया, हाँ मिल गया मुझे। अरे मिल गया मुझे। क्या मिल गया मुझे? माँ माँ ओ माँ, क्या मिल गया? क्या मिल गया? मुझे मिल गया। क्या मिल गया भाई, क्या मिल गया? सब क्या हो गया तुम्हें बेटा, बताओ तो सही, क्या हो गया है? माँ मुझे उड़ने का तरीका मिल गया। हाँ उड़ने का तरीका मिल गया। जोसेफ होश में आओ भाई, क्या हुआ? स्टीफन स्टीफन, माँ माँ माँ, सर इस कमरे के धुएं को देखो। हाँ इस कमरे के धुएं को देखो, इसमें इसमें क्या उड़ रहा है बताओ? बताओ उसमें क्या उड़ रहा है? कुछ भी तो नहीं। कुछ भी तो नहीं है। ओ नहीं स्टीफन नहीं, ध्यान से देखो। हाँ ध्यान से देखो, क्या धुएं के साथ राख नहीं उड़ रही है? उड़ रही है ना? वो तो है मगर इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ स्टीफन कि धुआं राख को उड़ा सकता है। हाँ, कहते तो तुम ठीक हो। तो फिर क्यों ना हम कुछ प्रयोग करें हैं? हाँ मुझे तो लगता है कि अगर हम किसी हल्के लिफाफे में धुआं भर दें तो वो जरूर ऊपर की ओर उड़ेगा। हाँ, ये बात तो है। चलो चलो जोसेफ, चलो देखते हैं। ठीक है आओ मेरे साथ। अरे सुनो, अरे खाना तो खाते जाओ स्टीफन। जोसेफ सुनो तो। और फिर क्या था, दोनों भाइयों ने झटपट कई प्रयोग कर डाले। इसमें कई बार उन्हें असफलता हाथ लगी, लेकिन वो पूरी लगन से अपने काम में जुटे रहे। और एक दिन सचमुच धुएं से भरा लिफाफा छत से जा टकराया। इस प्रयोग की सफलता से उत्साहित होकर दोनों भाई और अधिक परिश्रम से अपने प्रयोग करते रहे। उनकी योजना थी एक बड़ा गुब्बारा बनाकर उसे उड़ाने की, और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई, उन्होंने एक ऐसा गुब्बारा बना ही लिया। सन 1783 सितंबर का महीना था। दोनों भाई एक बड़े मैदान में
अपने बनाए हुए गुब्बारे के पास खड़े थे। इस करतब को देखने के लिए मैदान में भारी भीड़ जमा थी। अरे गुब्बारा गुब्बारा कहाँ उड़ेगा? क्या बात है दोस्त, यहाँ तो बड़ी भीड़ है। हाँ भाई भीड़ तो है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लड़के मजाक ही कर रहे हैं। अरे यार भला हवा में कोई चीज उड़ सकती है क्या? अभी पता चल जाएगा, पर यहाँ तो इतनी भीड़ है कि इस तरफ से कुछ भी साफ साफ नहीं दिख पाएगा। तो चलो उस तरफ चलते हैं, उधर भीड़ जरा कम है। हाँ, आओ, आओ, यही ठीक रहेगा। आओ चलो। ना जाने क्या करेंगे, रहने दीजिए, भला कोई चीज उड़ नहीं सकती। कुछ हो गया है, उड़ाएंगे। अरे भाई साहब जरा रास्ता दीजिए, आगे जाने दीजिए। भाई साहब हट जाइए। हाँ आ गए आ गए, यहाँ से हम सब कुछ साफ साफ देख सकते हैं। अरे अरे वो देखो वो सामने एक बड़ा सा गुब्बारा रस्सी से बंधा हुआ है। अरे ये क्या, जोसेफ और स्टीफन गुब्बारे से एक टोकरे को बांध रहे हैं। वो देखो टोकरे में। हाँ अरे अरे टोकरे में तो एक भेड़ है। अरे वो देखो एक मुर्गा और साथ में एक बत्तख भी है। हाँ, क्या ये भी गुब्बारे के साथ उड़ेंगे? दोस्त लगता तो कुछ ऐसा ही है। अरे 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 वो देखो स्टीफन हाथ से कुछ इशारा कर रहा है। और एक आदमी गुब्बारे की रस्सी खोल रहा है। अरे 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 वो गुब्बारा तो ऊपर की ओर जा रहा है। मान गए भाई मान गए, कमाल कर दिया बच्चों ने। ये क्या हो रहा है, कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही है? अरे देखो वो गुब्बारा तो वाकई ऊपर जा रहा है। अरे सचमुच उड़ रहा है, सचमुच। अरे वाह, अरे यार ये तो कमाल हो गया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखो देखो गुब्बारा बहुत ऊंचा चला गया। अरे जबरदस्त, अरे इन दोनों लड़कों ने कमाल दिखा दिया, आज तक ऐसा नहीं हुआ। वो देखो वो देखो गुब्बारा नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, उधर उधर जा रहा है। देखो पेड़ों की तरफ, उधर देखो। अरे हां हां, अरे वो पेड़ों की तरफ। अरे बाप रे, अरे वो पेड़ से जाकर टकरा गया। अरे गिर गया, अरे गिर गया। हाँ साथियों, ये थी जोसेफ और स्टीफन की पहली उड़ान। क्या आप जानते हैं ये गुब्बारा लगभग 8 मिनट तक हवा में उड़ा और बाद में एक पेड़ से जा टकराया। और हाँ, जिस रस्सी से टोकरा बंधा हुआ था वो रस्सी भी टूट गई और सभी यात्री धड़ाम से नीचे आ गिरे। सिर्फ मुर्गे का एक पंख टूटा, शेष यात्री यानी भेड़ और बतख बिल्कुल ठीक थे। ठीक इसके 2 महीने बाद यानी नवंबर सन 1783 में जोसेफ और स्टीफन ने एक गुब्बारा और उड़ाया, जिस पर खुद उन्होंने उड़ान भरी। ये गुब्बारा लगभग 900 मीटर ऊंचा उड़ा और इसने 2 किलोमीटर की यात्रा की। इस तरह शुरू हुआ उड्डयन का युग। लेकिन गुब्बारे में उड़ना बहुत जोखिम का काम था। तेज हवा गुब्बारे को किसी भी दिशा में उड़ा ले जाती थी। कई बार मनुष्य को इस उड़ान में अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता था। लेकिन मनुष्य ने हार नहीं मानी और वो इस दिशा में खोज करता रहा। आखिर में अमेरिका के 2 भाइयों विल्बर और ओलिवर राइट, जिन्हें हम राइट ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने हवाई जहाज का एक ऐसा नमूना विकसित किया जो पेट्रोल से उड़ सकता था। और इस तरह साकार हुआ मनुष्य का हवा में उड़ने का स्वप्न। पहली उड़ान। अभी आप सुन रहे थे CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत रेडियो बाल पत्रिका के अंतर्गत ये कार्यक्रम। कार्यक्रम संचालन एवं निर्माण परामर्श प्रभुदयाल खट्टर, विषय आभार संयुक्ता लूथरा, कलाकार मंजू मैनी, बाबला कोचर, कीमती आनंद, आशीष बख्शी तथा प्रवीण शर्मा, ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी, ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा रेडियो रूपांतर निर्माण एवं प्रस्तुति
अजीत होरू।